जय हिंद मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। दोस्तों, हम इस समय हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 254 किलोमीटर की लोकेशन फ्रॉम चांसराय, जो पड़ता है सठियाँव इंटरचेंज जनपद आजमगढ़। बहुत दिनों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कोई अपडेट नहीं दे पा रहा था और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वह बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो सबसे लेट चल रहा था काम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सठियाँव इंटरचेंज का, उसकी अपडेट क्या है। तो मैं आपको बताता चलूं कि सठियाँव इंटरचेंज आजमगढ़ जनपद का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कुछ महीनों पहले पूरा हो चुका है यहाँ का काम। हालाँकि यहाँ का काम सबसे लेट था, यहाँ काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और यहाँ पर अब टोल टैक्स देकर आप यात्रा भी कर सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जिस लोकेशन पर हम हैं 254 किलोमीटर फ्रॉम चांसराय, यहाँ पर आजमगढ़ से मऊ फोर लेन जाता है और उसी फोर लेन के लगभग बीच में आजमगढ़ और मोहम्मदाबाद गोहना के बीच में सठियाँव बाज़ार पड़ता है और इसी के बाहर यह टोल प्लाजा सक्रिय हुआ है। और यही एक ऐसा टोल प्लाजा है जहाँ चारों तरफ से इंट्री और एग्ज़िट के पॉइंट बनाए गए हैं। दोस्तों, चलिए हम आपको विजिट कराते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सठियाँव इंटरचेंज का। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजीत अंजलि। यह है आजमगढ़ मऊ फोर लेन और यहां से देखिए ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको दिख रहा है। और यहाँ से लखनऊ चढ़ने के लिए, लखनऊ के लिए इंट्री का पॉइंट है और जैसे ही आप लखनऊ के लिए चलेंगे तो आपको ये टोल प्लाजा दिखाई देगा। यहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं, गाड़ियों के व्हीकल के परमिशन लिखे हुए हैं, रेट लिखे हुए हैं और यहाँ पर पीछे कांटा भी है। दोस्तों, जो माल वाहन आएंगे अगर उन्हें डाउट होगा कि ये ओवरलोडेड हैं तो उनको वजन भी किया जाएगा। यहाँ देखिए ट्रक लगा हुआ है और यहाँ से टोल टैक्स अदा करने के बाद यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए आधिकारिक रूप से इसको स्वीकृति मिल चुकी है। दोस्तों, अब देख सकते हैं कि टोल टैक्स अदा करने के बाद यह ट्रक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ चल रहा है। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उस पॉइंट पर जहाँ से आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इंटर करेंगे। ये देखिए ट्रक जैसे आ रहा है टोल टैक्स अदा करने के बाद और यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इंटर करेगा। ये है लखनऊ के तरफ चढ़ने के लिए इंटरचेंज का रास्ता। ऊपर आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ऊपर से गाड़ी जा रही है और यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ने का यह रास्ता है। और यह लोकेशन जहाँ ये ट्रक जाके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ेगा ऊपर, वह लोकेशन होगी 253.7 किलोमीटर की। 253.7 किलोमीटर पर यह ट्रक कनेक्ट हो जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और लखनऊ की यात्रा के लिए फर्राटा भर सकेगा। दोस्तों, ये देखिए ये ट्रक चढ़ चुका है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और यह लखनऊ की तरफ अर्थात चांसराय की तरफ चला जाएगा। फिर ये देखें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वही लोकेशन जहां से हैदरिया की तरफ से जो गाड़ियां आजमगढ़ और मऊ के लिए मोहम्मदाबाद गोहना के लिए उतरती हैं, यह वह लोकेशन है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो रूट है, जैसा मैंने बताया यहां चारों तरफ से रूट्स हैं और यह जो रूट आपको दिखाई दे रहा है, टोल प्लाजा दिखाई दे रहा है, वह हैदरिया के तरफ से एग्ज़िट पॉइंट का टोल प्लाजा है। ये देखिए आप सामने, ये देखिए ये हैदरिया की तरफ से एग्ज़िट पॉइंट का टोल प्लाजा है। यहाँ से गाड़ियाँ हैदरिया की तरफ से आती हैं और यहाँ से एग्ज़िट लेकर और फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से नीचे उतरने के बाद इधर आजमगढ़ और मऊ के बीच जो फोर लेन जा रहा है उसमें सठियाँव बाज़ार के बाहर आकर मिल जाती हैं। और आजमगढ़ के लिए, मऊ के लिए, मोहम्मदाबाद गोहना, खुरहट, सठियाँव आदि के लिए एग्ज़िट कर लेती हैं। दोस्तों, अगर आपको हैदरिया की तरफ से उतर के मोहम्मदाबाद या मऊ की तरफ जाना है तो आप फिर आजमगढ़ मऊ फोर लेन से आगे बढ़ेंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये देखिए लखनऊ की जानिब है और ये हैदरिया की तरफ जाता है। दोस्तों, उधर हैदरिया की तरफ से उतरने के लिए है और इधर लखनऊ की तरफ चढ़ने के लिए है। ये है बीच का नीचे का नज़ारा, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्रिज का विहंगम स्वरूप है और
इधर जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है बाएं, वह लखनऊ की तरफ से मऊ और आजमगढ़ उतरने के लिए इंटरचेंज बना हुआ है। यहाँ चारों तरफ से एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स हैं दोस्तों। यह भी एग्जिट का पॉइंट है, और कौन से एग्जिट का पॉइंट है? यह एग्जिट का पॉइंट है लखनऊ से मऊ और आजमगढ़ की तरफ जाने के लिए दोस्तों। यह भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख रहे हैं आगे टोल प्लाजा सक्रिय है। और यह टोल जो है वह जो लखनऊ की तरफ से आजमगढ़ और मऊ मोहम्मदाबाद के लिए गाड़ियां उतरती हैं उसके लिए बनाया गया है। यहां पर चेक करने के बाद गाड़ियां उतरती हैं लखनऊ की तरफ से दोस्तों, लखनऊ की तरफ से गाड़ियां उतरती हैं और मऊ और आजमगढ़ की तरफ चली जाती हैं। आप देख सकते हैं आगे एक छोटा सा बोर्ड भी लगा हुआ है, और यह बोर्ड लगा हुआ है मऊ बाएं तरफ और आजमगढ़ दाहिने तरफ। आप लखनऊ से बाएं तरफ मोहम्मदाबाद मऊ जा सकते हैं और उधर आजमगढ़ जा सकते हैं दोस्तों। फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ हैदरिया की तरफ चढ़ने के लिए जो टोल बनाया गया है और जो एंट्री का पॉइंट बनाया गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, उस पर लेकर चल रहा हूँ। ये देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वह रास्ता है जो मोहम्मदाबाद की तरफ से, मऊ की तरफ से और आजमगढ़ की तरफ से आप हैदरिया की तरफ चढ़ने के लिए, ये टोल प्लाजा है दोस्तों। यहाँ से टोल अदा करके आप हैदरिया की तरफ चढ़ सकते हैं मऊ और आजमगढ़ की लोकेशन से। तो मैंने आपको चारों तरफ का रास्ता दिखा दिया है, और आप देखिए बीच में ये खूबसूरत पार्क प्लान किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और जैसे यहाँ पेड़ पौधे और बड़े लाइट्स और पोल और बड़े झंडे लग जाएंगे, यह बहुत खूबसूरत नज़ारा होगा दोस्तों।